गाइस आज मैं बना रही हूँ पनीर चिली। तो मैंने पनीर चिली बनाने के लिए मैंने इसमें डाले हैं प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और शिमला मिर्च। और मैं सबको ये मिला मिक्स करके और मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद तो गाइस अब मैं इसमें डालूँगी पनीर चिली मसाला। और इसमें मैंने दिए हैं सॉस, केचप, टमाटर वाले जो होते हैं, और चिली टम सॉस, और मैंने सोया सॉस, और मैं इसमें गाइस अभी और पानी थोड़ी सी मैं डालूँगी ताकि ये ज़्यादा मैं इसको बॉयल कर सकूँ। अब बॉयल करने मैंने काट के ये पनीर रखा है और ये पनीर को मैं इसमें डालूँगी 5 मिनट बाद। मैं थोड़ी देर तक इसको चलाते रहूँगी ताकि ये अच्छा से बॉयल हो जाए तो मैं इसमें पनीर डाल सकूँ। तो गाइस आज आप देख सकते हो इसमें कितने अच्छे से कलर आ चुके हैं। और मैं अभी थोड़ी देर इसको 1 से 2 मिनट मैं अभी और चलाते रहूँगी ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल हो सके और मैं फिर इसमें पनीर डालकर। तो गाइस मैंने इसमें पनीर डाल दिया है और मैं अब आप देख रहे हो ये देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये मेरी पनीर चिली हो चुकी है। अब मैं इसको ढक के दे रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फिर प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें।